झारखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग पौड़ी की पहल पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जल्द ही ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 200 सफल उद्यमियों और 100 लखपति दीदियों से संवाद करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव में हो रहे पलायन पर अंकुश लगाए जाने पर ठोस रणनीति तैयार करना, इसके अलावा योजनाओं को धरातल पर उतारने में सामने आ रही समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही कार्यशाला में खास तौर पर उन उद्यमियों को शामिल किया गया है जो स्वरोजगार पर आजीविका विकास की नई इबारत लिख रही हैं। बताते चलें कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की उपाध्यक्ष डॉक्टर एसएस नेगी ने बताया कि आयोग की ओर से जल्द ही प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन भव्य रूप में किया जाने वाला है, जिसका उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान जहाँ प्रगतिशील उन्नत किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा, वहीं उन किसानों की सफलता की यात्रा को सहेजने का काम भी किया जाएगा ताकि इससे बाकी को प्रेरणा मिल सके। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के कार्यालय के समीप हूँ। आयोग द्वारा एक पहल की गई है कि जो पहाड़ में बढ़ते पलायन हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर पलायन जो बढ़ रहा है पहाड़ी जिलों में, इसकी रोकथाम को लेकर लगातार कवायद कर रहा है आयोग, और इसी की दिशा में एक और कदम बढ़ा के पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग स्वरोजगार करके गांवों को आबाद करने का काम कर रहे हैं और हर हाथ को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसे इन्होंने ग्रामीण उद्यमिता कार्यशाला नाम दिया गया है, जिसका आयोजन जल्द ही प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर पलायन आयोग के उपाध्यक्ष ने तैयारी बैठक भी ले ली है, कार्ययोजना उसमें लगभग तैयार हो गई है। तो क्या ये योजना है, क्या क्या इसमें होगा, क्या अभी तक की योजना है? ये गैरसैंण में भव्य कार्यशाला होनी है, जिसमें पूरे प्रदेश के जो सफल उद्यमी हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो आएंगे। उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं और उससे सरकार को भी सीखने को मिलेगा और ये पता लगेगा कि किस योजना में क्या अड़चने हैं, किस कौन सी योजना ज़्यादा सफल है, और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और आगे जल्दी गैरसैंण में भव्य कार्यक्रम होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।